तो आपका इसके लिए आपको फॉर्मूला, आपको साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला चाहिए। ओके चलिए, अच्छा बोलिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए। साइन ए प्लस बी बोलिए क्या फॉर्मूला है। अरे बच्चों बोलिए साइन ए प्लस बी। अरे बोलो टॉफिक खान, साइन ए प्लस बी बोलो। अरे सुनाई दे रहा है तो टॉफिक खान बोलो, साइन ए प्लस बी बोलो क्या है। अमियो अश्विनी ठाकुर, प्रशंसिता बोलो, साइन ए प्लस बी क्या फॉर्मूला है। अरे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्या ऑडियो ये हो गया क्या। यार आंसरिंग, अच्छा आंसरिंग कर रहे हो तो, लेकिन वो आप बच्चे बोलो तो साइन ए प्लस बी। यस सर, साइन ए प्लस बी यस क्या सर, फॉर्मूला है। साइन ए इनटू कॉस बी प्लस कॉस ए इनटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके ये साइन ए प्लस बी। ओके आपका साइन ए माइनस भी बोलिए। पूछो साइन साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके हो, अच्छा कॉस ए प्लस भी बोले, कॉस ये पहला फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला। कॉस ए प्लस भी बोले थर्ड फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला बच्चे, इसी से सब कुछ डिराइव होता है। कॉस ए प्लस भी बोलो, कॉस ए प्लस बी। ए माइनस साइन इनटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके नेक्स्ट बच्चों, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपको, हमें कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी प्लस साइन डी ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो आपको ए प्लस बी को सी लेना है, ए प्लस बी को सी लेना है, ए माइनस बी को डी लेना है। ओके इसको ऐड कर दो बच्चों, ए प्लस बी को सी लेना है, ए माइनस बी को डी लेना है। ओके ऐड कर दो, क्या होगा यहाँ पर ऐड करोगे तो बी कट जाएगा बच्चों आपका, बी कट जाएगा। ये टू ए इक्वल टू सी प्लस डी आएगा, देन ए इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस डी बाई टू। ठीक है बच्चों, इसी तरह बच्चों एक बार सॉफ्ट ऐड कर दो, ए प्लस बी इक्वल सी लेंगे हम, ए माइनस बी इक्वल टू डी लेंगे। उसी तरह बच्चों एक बार सॉफ्ट ऐड कर दो, एक बार सॉफ्ट ऐड करने से, तो सॉफ्ट ऐड करते प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है, ये प्लस माइनस होता है। जब सब्ट्रैक्ट करते बच्चों ए कट जाएगा आपका। ओके यो टू बी इक्वल टू क्या होता है सी माइनस डी, देन बी इक्वल टू होता है आपका सी माइनस डी बाई टू। तो बच्चों आपको ए प्लस बी को सी लेना है, ए माइनस बी को डी लेना है। इसको सॉल्व करोगे ए का वैल्यू सी प्लस डी बाई टू आएगा, बी का वैल्यू सी माइनस डी आएगा। तो बच्चों चलिए साइन सी प्लस साइन डी करते हैं। साइन सी इसको सी लेना है, इसको डी लेना है। जब आर करते हो क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी करते हैं। तो आर जो बच्चों करते तो क्या कौन सा कटेगा बच्चों, आर जो करते ही वाला पार्ट कट जाता है। तो बचता क्या है बच्चों, जब आर करते हो साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, जब आर करते हो तो ये वाला पार्ट कट जाता है। साइन हाँ तो बचता है टू साइन ए कॉस बी। ओके तो बच्चों देखिए, ओके तो जब हम ये ए प्लस बी को सी लेंगे, ए माइनस बी को डी लेंगे। ओके देन हमारा साइन सी प्लस साइन डी। ओके साइन सी प्लस साइन डी ये बच्चों फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ओके
साइन सी प्लस साइन डी क्या फॉर्मूला होता है, जब ऐड करते हैं ए प्लस बी को सी लेते हैं और ए माइनस बी को डी लेते हैं, जब ऐड करते हैं ये पार्ट कट जाता है, आपका आ रहा है टू साइन ए कॉस बी। तो व्हाट इज योर ए, सी प्लस डी बाई टू, व्हाट इज योर बी, सी माइनस डी बाई टू। ओके, तो जब बच्चों ऐड करते हैं तो ये वाला पार्ट कट जाता है, ये आता है टू साइन ए कॉस बी। ओके, टू साइन ए कॉस बी। ओके, तो ए के बदले में आप लिखना है सी प्लस डी बाई टू कॉस बी, बी के बदले में लिखना है सी माइनस डी बाई टू। बच्चों साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या हुआ आपका, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है बच्चों, हम जिसको जब इसको ऐड किए ये वाला पार्ट करता है टू साइन ए कॉस बी, सो योर ए इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू, योर बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ओके, अच्छा उसको याद रखने का तरीका भी मैं बोलूंगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों साइन सी माइनस साइन डी, जब बच्चों हम सब्ट्रैक्ट इसको करते हैं, जब बच्चों सब्ट्रैक्ट करते हैं ये माइनस प्लस हो जाए, तो साइन सी माइनस साइन डी जब करेंगे बच्चों, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों ये वाला पार्ट हमारा कट जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा कट जाएगा। तो ये बचता क्या बच्चों, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन सी माइनस साइन डी ये करता है तो क्या बचता है हमारा, टू कॉस ए साइन, टू कॉस ए साइन बी, और ए के बदले में सी प्लस डी बाई टू लिखना है, बी के बदले में सी माइनस डी बाई सी माइनस डी बाई टू लिखना है। तो बच्चों जब साइन सी माइनस साइन डी जब करते हैं साइन सी माइनस साइन डी, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट कट जाता है। ठीक है, तो ये आता है टू कॉस ए साइन बी, ए के बदले में आप सी प्लस डी बाई टू लिखना है, बी के बदले में सी माइनस डी बाई टू रखता है। तो जो तो फिर तो बच्चों साइन सी माइनस साइन डी जो है आपका टू कॉस ए साइन बी। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्मूला आप लिख दीजिए साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। ओके, साइन सी माइनस साइन डी होता है बच्चों ये आपका टू कॉस, ओके टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ओके, ये आपका थीटा है सभी। ओके, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस साइन डी बाई टू। ओके, आप भी फिर से देख लीजिए, साइन सी माइनस साइन डी जब करेंगे तो ये वाला पार्ट कर जाता है, ये आ रहा है टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी, ए के बदले में सी प्लस डी बाई टू, बी के बदले में सी माइनस डी बाई टू। ठीक है बच्चों, अच्छा फिर लास्ट में बोलूंगा कैसे ये याद रखते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों कॉस सी प्लस कॉस डी करते हैं, तो बच्चों नेक्स्ट हम करते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी, जब कॉस सी प्लस कॉस डी करेंगे बच्चों इसको सी लेंगे और इसको डी लेंगे। ओके, कॉस सी प्लस कॉस डी जब करते हैं, ठीक है इसको सी लेंगे और इसको डी लेंगे, जब ऐड करते हैं बच्चों कौन सा कट जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी जब कर ऐड करते हैं कौन सा कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। क्या बचता है आपका, हाँ क्या बचता है टू, क्या बचता है कॉस सी प्लस कॉस डी में, ये टू कॉस है कॉस भी बचता है, कॉस भी बचता है। तो ए के बदले में सी प्लस डी बाई टू, बी के बदले में सी माइनस डी बाई टू लिखना है। तो बच्चों जब कॉस सी प्लस कॉस डी करते हैं ये बाकी नेक्स्ट फॉर्मूला है, जब कॉस सी प्लस कॉस डी करते हैं ये आता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है बच्चों, जब कॉस सी प्लस कॉस डी करते हैं ये वाला पार्ट कट जाता है, बचता है टू कॉस ए कॉस बी, ए के बदले में सी प्लस डी बाई टू लिखना है, बी के बदले में सी माइनस डी बाई टू लिखना है। ठीक है बच्चों, इसी तरह बच्चों जब कॉस सी माइनस कॉस डी करेंगे, जब कॉस सी माइनस कॉस डी करेंगे क्या होगा, जब बच्चों माइनस करेंगे तो बच्चों ये वाला पार्ट कट जाता है, जब कॉस सी माइनस कॉस डी करते हैं वाला पार्ट करते हैं, ये क्या बनता है बच्चों, ये बनता है माइनस टू साइन ए साइन बी, ए के बदले में सी प्लस डी बाई टू रिप्लेस करना है, बी के बदले में सी माइनस डी बाई टू रिप्लेस करना है। तो बच्चों कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या फॉर्मूला हुआ, कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या फॉर्मूला हुआ, ओके कॉस सी माइनस कॉस डी क्या फॉर्मूला हुआ, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ओके बच्चों कॉस सी माइनस कॉस डी जब करते हैं
तो ये वाला पार्ट कट जाता है, ये बनता है माइनस टू साइन ए साइन बी, ए का वजन में सी प्लस डी बाई टू, बी का वजन में सी माइनस डी बाई टू। बच्ची आपका चार्ट ऑफ फॉर्मूला है जिससे हम अभी हम करेंगे। ओके बच्चों, और एक बात है बच्चों, हमारा एक बाद में पढ़ोगे ये और ये, ये और ये तुम जब ये लाओगे इसके पास लाओगे, हमारे फॉर्मूला बच्चों साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको और एक फॉर्मूला लिख बना सकते हो, इसको साइन डी माइनस सी कर सकते हो। ये डी माइनस सी कैसे हुआ, यहाँ पर एक जो ये माइनस साइन थीटा, हमारा एक फॉर्मूला बच्चों साइन माइनस थीटा होता है एस टी रूल में माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है। ओके, योर माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है, तो यहाँ पर ये माइनस और ये साइन थीटा, दैट इज साइन माइनस थीटा। जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ये जो माइनस डी प्लस डी हो जाएगा, प्लस सी माइनस हो जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है आपका, लेकिन ये फॉर्मूला ज्यादातर यूज नहीं होता है। ये आपका जो माइनस था यहाँ पर बच्चों, जो आपका जो माइनस था, ओके, ये जो माइनस साइन थीटा था, माइनस साइन थीटा दैट इज साइन माइनस थीटा, जो माइनस थीटा करेंगे ये प्लस माइनस डी प्लस डी हो जाएगा, प्लस सी माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा, वो माइनस इधर मल्टी, ये एक फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूला का ज्यादातर यूज नहीं होता है, इसी का यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी इसको याद कैसे रखेंगे, बच्चों साइन सी प्लस साइन डी मीन्स आपका पहला पार्ट होता है, साइन सी प्लस साइन डी मीन्स साइन का ये पहला पार्ट होगा, साइन सी प्लस साइन डी मीन्स ये आपका ये पहला पार्ट आएगा, साइन का पहला पार्ट मीन्स ये आएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ए के बाद में सी प्लस डी बाई टू लिखना है, बी के बाद में सी माइनस डी बाई टू रखना है। साइन सी प्लस साइन डी मीन्स ये साइन का पहला पार्ट, साइन सी माइनस साइन डी मीन्स साइन का ये सेकेंड पार्ट, इसको याद ऐसे रखोगे क्या आएगा, साइन सी माइनस साइन डी क्या आएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये आपका साइन सी माइनस साइन डी सेकेंड पार्ट। इसी तरह कॉस सी प्लस कॉस डी कैसे याद रखेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी मीन्स ये कॉस सी कॉस ए प्लस बी का पहला पार्ट है, कॉस सी प्लस कॉस डी आपका फॉर्मूला क्या है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसी तरह कॉस सी माइनस कॉस डी कैसे होता है, कॉस ए प्लस बी का सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट दैट इज क्या आता है, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। बच्चा चार फॉर्मूला याद रह गया, बोलिए साइन सी प्लस साइन डी क्या फॉर्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी क्या फॉर्मूला है, बोलिए साइन सी प्लस साइन डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, बोलिए साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, बोलिए कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या फॉर्मूला है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, बोलिए कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या फॉर्मूला है, cos c minus cos d क्या बोला, minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, तो cos c plus d sin a plus b का पहला पार्ट, cos c minus d sin a plus b का सेकंड पार्ट, cos c minus cos d, उसी तरह cos c plus cos d cos a plus b का पहला पार्ट, cos c minus cos d cos a minus b का सेकंड पार्ट, ऐसे आपको याद रखना है, समझ गए, अरे नहीं समझे, इसको समझ में नहीं आया, चलिए अभी ये फॉर्मूला आपका इसी फॉर्मूला से हमारा प्रॉब्लम्स करते हैं एनसीईआरटी का। ओके चलिए, तो देखिए हमारा ये कॉस सी प्लस कॉस डी एक्सरसाइज का क्वेश्चन से बनेगा, एक्सरसाइज आप लोग का 3.3 का, ओके क्वेश्चन सभी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16, 17, 18, 19, 20 करते हैं। ओके अच्छा, पहले बच्चों कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी ये क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका कॉस 9x माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय साइन 17x माइनस साइन 3x। अच्छा बच्चों कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस ए प्लस बी का सेकंड पार्ट, कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला थोड़ा बोलिए बच्चों,
cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बोलिए, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू, ये आपका c है और ये फाइव एक्स आपका d है, ये आपका cos c माइनस cos d फॉर्मूला माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन नाइन एक्स माइनस फाइव एक्स डी बाई टू। ओके ठीक है बच्चों, मैं पहला वाला डाल दिया cos c माइनस cos d, उसी तरह बच्चों बोलिए साइन c माइनस साइन d का क्या फॉर्मूला है। अरे बच्चों साइन c माइनस साइन d का क्या फॉर्मूला है बोलिए, टू cos c प्लस d बाई टू साइन c माइनस। तो बच्चों साइन c माइनस साइन d का ये फॉर्मूला है टू cos c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू। ओके, अगर साइन c माइनस साइन d याद नहीं होता है तो ये आपका सेकेंड पार्ट है, साइन ए प्लस बी का सेकेंड पार्ट है। ओके तो आपका देखिए ये साइन सी माइनस साइन डी होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। ओके दैट इज सेवनटीन एक्स प्लस थ्री एक्स टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू ओके साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है बच्चों, साइन सी माइनस साइन डी जो है आपका साइन ए प्लस बी का सेकंड पार्ट, दैट इज टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। बच्चों कितना आया देखिए आपका, ये कॉस है कितना, ये टू टू काट दीजिए कितना आ रहा बच्चों, माइनस साइन कितना आ रहा है नाइन एक्स प्लस फाइव एक्स, फोर्टीन एक्स बाय टू कितना सेवन एक्स, नाइन एक्स माइनस फाइव एक्स 4x by 2 कितना, that is sin 2x। इसी तरह बच्चों ये cos 17x plus cos 17x plus 3x 20x by 2 कितना 10x, ये sin 17 minus 3 14x by 2 कितना 7x। बाद में बच्चों ये आपका ये sin 7x और ये साइन से माइनस कट जाएगा, दैट इज आपका आएगा माइनस साइन टू एक्स बाय कॉस टेन एक्स, कॉस टेन एक्स। ओके तो देखिए आपका वही तो था साइन टू ए माइनस साइन टू एक्स बाय कॉस टेन एक्स, यही प्रूव करना था। तो बच्चों प्रूव कुछ नहीं है, आपका ये फॉर्मूला सिर्फ डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए आप लोग, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी 17 नंबर। ओके बने बच्चों 17 को ट्राई कीजिए, थोड़ा उसके बाद मैं बनाऊंगा। ठीक है नेक्स्ट बच्चों आपका देखिए साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी साइन ए प्लस बी का पहला पार्ट, दैट इज टू साइन सी प्लस डी बाई टू फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स बाई टू। थोड़ा हैंडराइटिंग बच्चों प्रॉब्लम्स है इधर लिखने में। ओके इसी तरह बच्चों कॉस सी प्लस कॉस डी आपका होता है टू कॉस 2 cos c plus d by 2, 2 cos c plus d by 2 into 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। ये बच्चा आपका cos c plus cos d का फॉर्मूला है 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, थोड़ा गलत हो गया है, cos c minus cos d, कॉस सी प्लस कॉस डी जो कॉस ए प्लस बी का पहला पार्ट जो है। ओके कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। बच्चों देखिए थोड़ा कितना आ रहा है, देखिए ये टू तो ये टू कट जाएगा, ये टू कट जाएगा। तो बच्चों कितना आ रहा है देखिए, ये साइन फाइव एक्स प्लस थ्री एट एक्स बाई टू फोर एक्स, ये कॉस 5x minus 3x 2x by 2 cos x
2x by 2. Next is the cos x. 5x plus 8x by 2, 4x. Okay, cos 5x minus 3x, 2x by 2x. इसमें कटेगा देखिए, ये cos x कट जाएगा. sin x by cos 4x, tan 4x होता है. sin theta by cos theta, tan theta होता है. देखिए यही प्रूफ शायद करना था. ठीक है बच्चों? अरे बच्चों ठीक है ना, देखना है. 18 नंबर बच्चों बनाइए आप लोग. ये फॉर्मूला से आपका बुक का आधा क्वेश्चन हो जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बच्चे करेंगे 18. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए. ऊपर बच्चों साइन सी माइनस साइन डी डालिए, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी डालिए, ऑटोमेटिक प्रूव होगा. आप पहले कोशिश करोगे बच्चों, ऊपर में साइन सी माइनस साइन डी, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी. देखिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है 2 कॉस, ये साइन ए प्लस बी का सेकंड पार्ट, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2. ये आपका साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2. cos c plus cos d है, cos a plus b का पहला पार्ट, that is cos a into cos b रहता है जो पहला पार्ट, that is cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2. Again cos c plus cos d. इसमें बच्चों कुछ कट जाएगा, ये 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. कौन कट जाएगा देखिए, ये दोनों कट जाएगा. okay, actually ये थीटा का ये रहता है. okay, और ये बच्चों आपका रहता है जो साइन एक्स माइनस वाई बाई टू बाई कॉस, ये टैन थीटा होता है, ये टैन एक्स माइनस वाई बाई टू. ओके ठीक है, यही प्रूव करना था बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, आप लोग कोशिश कीजिए. क्वेश्चन नंबर 19 सेम डिटो मेथड होगा बच्चों, लेकिन एक काम कीजिए, यहाँ पर एक माइनस थीटा आएगा तो इसलिए थोड़ा बड़ा को पहला रख दीजिए. एसटीसी रूल का कोई दिक्कत नहीं आएगा. पहला साइन थ्री एक्स को पहला रख दीजिए, उसके बाद साइन एक्स को रखिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस थीटा का कोई दिक्कत नहीं आएगा. यहाँ पर बच्चों कॉस थ्री एक्स को पहला रखिए, उसके बाद आप कॉस एक्स को पहला रखिए. अब बच्चों अप्लाई कीजिए, ऊपर में साइन सी प्लस साइन डी, नीचे में कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई कीजिए. अगर जैसे क्वेश्चन में ऐसा करेंगे तो एक माइनस थीटा आएगा आप लोग का, फिर एसटीसी प्रॉब्लम आएगा. तो आप काम कीजिए, साइन थ्री को पहला, उसको साइन एक्स, उसके बाद कॉस थ्री एक्स पहला, उसे कॉस एक्स. अब अप्लाई कीजिए, ऊपर में साइन सी प्लस साइन डी, नीचे में कॉस सी प्लस कॉस डी. बोलिए आंसर आ रहा है कि नहीं देखिए. देखिए साइन सी प्लस साइन डी आपका फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, 2 sin c plus d by 3x plus x, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, cos 3x minus x by 2. ये sin c plus sin d का फॉर्मूला है, जो कि sin a plus b का पहला पार्ट, sin into cos b जो होता है उसी से, ये 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. ओके नेक्स्ट बच्चों, cos c plus cos d जो है ये वाला लीजिए, नीचे वाला, ये आपका 2 cos c plus d by 2, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, cos 3x minus x by 2. नेक्स्ट बच्चे ये 2 2 काट दीजिए, और यहां पर ये थोड़ा देखिए क्या बन रहा है, ये साइन थ्री एक्स प्लस ये आपका बन रहा है साइन थ्री एक्स प्लस एक्स, फोर एक्स बाय टू, टू एक्स बन रहा है.
अगेन ये कॉस 3x माइनस एक्स 2x बाय 2 कॉस एक्स बन रहा है। नेक्स्ट बात है बच्चों ये कॉस 3x प्लस एक्स 4x बाय 2 2x बन रहा है, ये कॉस 3x माइनस एक्स 2x बाय 2 कॉस एक्स बन रहा है। इसमें बच्चों ये कॉस एक्स काट दीजिए, ओके तो साइन 2x बाय कॉस 2x आपका टैन 2x होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका टैन थीटा, ये भी हमें प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कोशिश कीजिए बच्चों, ऊपर में साइन सी माइनस साइन डी और नीचे में एक तो फॉर्मूला बनेगा कॉस टू ए का, माइनस कॉमन जाने के बाद बनेगा। चलिए बच्चों मैं कर देता हूं इसको, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तुम्हें एक तो नीचे माइनस कॉमन लेना है, नीचे माइनस कॉमन लेने से ओके ये माइनस कॉस कर एक्स प्लस कॉस कर एक्स होगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं ये माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा। नीचे माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए कॉस स्क्वायर माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस होगा। ऊपर में कॉमन ले लें क्या, क्यों बड़ा माइनस थीटा का कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये साइन माइनस साइन थ्री एक्स हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स होगा, जो माइनस थीटा का कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। आप बच्चों देखिए इसका क्या है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। बच्चों ये बोलिए किसका फॉर्मूला है, कॉस कर एक्स कॉस कर ए माइनस साइन कर ए, किसका फॉर्मूला है? कॉस टू ए का पहला फॉर्मूला क्या था, कॉस टू ए का पहला फॉर्मूला कॉस कर ए माइनस साइन कर था, ये कॉस टू ए का फॉर्मूला आया। आप बच्चों साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बोलिए, जब बच्चे माइनस कॉमन लेते हैं ना ये माइनस साइन थ्री एक्स प्लस साइन थ्री एक्स होगा, प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स होगा। जब माइनस कॉमन लिया ना नीचे ये माइनस कॉस कर एक्स प्लस कॉस कर एक्स होगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर होगा। ऊपर बच्चों साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बोलिए, साइन सी माइनस साइन टू कॉस सी प्लस डी बाय टू कॉस डी बाय टू, टू कॉस सी प्लस टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू ओके साइन सी माइनस डी बाय टू। पहले से माइनस कॉमन लेके बड़ा को पहला रख दिए इसलिए माइनस थीटा का नहीं आएगा, माइनस कॉमन लेने से बड़ा पहला आ जाएगा, ये छोटा बाद में आ जाएगा, ओके। देन बच्चों ये देखिए ये 2 cos 3x plus x 4x by 2 cos 2x होता है, अगेन ये sin 3x minus x 2x by 2 sin x होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये आपका cos 2a का फॉर्मूला है, cos करे माइनस sin करे cos 2x का फॉर्मूला है, ये cos 2x ये cos 2x कर जाता है ओके। अगेन ये आपका आता है 2 sin x आपका आंसर आता है, ये आपका आंसर 2 sin x होता है, ठीक है बच्चों, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों आज इतना रहने दीजिए, हम नेक्स्ट क्लास फिर इसी चैप्टर के ऊपर आए।